हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर नाउ नमाज और हम रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। काफी रिक्वेस्टेड वीडियो है, ढाई चाल ऑफिशियल ट्रेलर हुमायूं ए शामू अब्बासी आयशा उमर करके इसमें ये लीड एक्ट्रेस और एक्टर हैं। बाकी इसमें देखेंगे कि क्या दिखाया गया है ढाई चाल से, एंड वी हैव नो आइडिया कि इसके अंदर क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ढाई चाल शतरंज का घोड़ा चलता है। इनको अंदर से इतना खोखला कर दो, इतना खोखला कर दो कि कश्मीर का ख्याल इनके दिलों में ना आए। कौन बोल रहा है भाई, कश्मीर का ख्याल? शुरू से भारत का तरीका ही यही है, अपने शहरियों पर टेररिस्ट अटैक खुद करवाता है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। 2001 में होने वाला पार्लियामेंट अटैक, 2008 के मुंबई अटैक, फिर उड़ी, पठानकोट, पुलवामा, सब भारत ने खुद करवाया और अब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग भड़का रहा है। इस बारे में हमें कुछ टेररिस्ट के पिक्चर्स रिसीव हुए हैं, जॉन फिल काम कर रहे हैं। एक मिनट, ये पिक्चर कितनी पुरानी है? ये पिक्चर थोड़ी पुरानी है। आई नो, वेलकम टू द फ्यूचर पार्ट ऑफ अखंड भारत। देश से संदेश आया है, ढाई चाल का वक्त हो गया है। वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, एंड वी हैव टू डिकोड दैट प्लान। Cover. I'm a journalist. तुम इनकलाब ला सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मिसिंग पर्संस का इशू उठाओ। इस वक्त हम क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, जहाँ मिसिंग पर्संस की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। तुम्हारे किसी जानने वाले ने तंजीम ज्वाइन कर ली जो तुम्हारे बहुत करीब है। अगर अखंड भारत का सपना पूरा करना है तो पाकिस्तान के नक्शे को बदलना पड़ेगा। इंडियन आर्मी एंड रॉ डिपेंड्स ऑन अस। वी हैव टू सक्सीड। जय हिंद। ये बॉलीवुड नहीं है जहां क्लाइमैक्स में तुम लोग हर जंग जीत जाते हो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला सीन था इसके अंदर। कहानी कश्मीर को लेके है, अटैक्स को लेकर है कि ऐसे ऐसे अटैक्स हुए हैं। यहाँ की मूवी और वहाँ की मूवी आप समझ सकते हैं कि ये एक मूवी है, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान दो हिस्सों में इसको देखकर ना करें। क्योंकि बेसिकली इस ट्रेलर की बात करें अगर तो ट्रेलर तो अच्छा है, काफ़ी एक्शन से भरपूर है, काफ़ी सस्पेंस से भरपूर है। जबकि हमने देखा है बहुत सारी मूवीज़ में देखा है कि उंगलियां उठती हैं, जहां भी कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा चलता होगा उसके ऊपर उंगली उठाते हुए वीडियो बनती हैं, मूवीज़ बनती हैं। बहुत सारी मूवीज़ ऐसे देखी हैं हमने। इंडिया में मूवीज़ देखेंगे आप तो वो उसमें ऐसे ही सीन दिखाएंगे कि जो उस टाइम में वॉर में हुआ था वो उन चीज़ों के ऊपर मूवीज़ बनती हैं। और पाकिस्तान में जो दिखाएंगे जो जंगें हुई हैं, सीन हुए हैं, उसके ऊपर दिखाई है। बाकी एक्टर्स का इसमें काम अच्छा है। जो लास्ट में डायलॉग बोला है इन्होंने, ये बॉलीवुड नहीं है, तो तगड़ा बॉलीवुड को इसमें खींचने की कोशिश की गई है कि बॉलीवुड नहीं है जो लास्ट में आकर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो लास्ट में ठीक तो पॉजिटिविटी है यार, लास्ट में ठीक होना तो बनता है यार सब कुछ। एक कहानी तभी बनती है कि लास्ट में जब आप कोई मूवी देख रहे हैं तो। बाकी रियलिस्टिक मूवीज़ अगर आप देखेंगे तो कोई सी भी मूवी आप उठाकर देखिए तो बहुत ज़्यादा या तो चलती नहीं है, या फिर चलती है तो बहुत ज़्यादा चलती है, या फिर बिल्कुल गिर जाती है मूवी। देखते हैं पाकिस्तान में इसका क्या क्रेज रहता है, क्योंकि इस पे अभी देख रहे हैं हम, पाकिस्तान की पब्लिक ने इसके ट्रेलर को शायद देखा नहीं है, ढाई चाल के बारे में उनको पता नहीं है, या फिर प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं इसमें। व्यूज़ बहुत कम है। व्यूज़ कम क्यों है? पाकिस्तान में तो इस टाइप का कंटेंट आई थिंक चलना चाहिए, वो भी नहीं देख रहे हैं। पता नहीं क्यों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि चल क्यों नहीं रहा है, मतलब व्यूज़ इस पर क्यों नहीं है, कि इसकी क्या पॉपुलैरिटी है वहाँ पर, करेंट सिचुएशन इसकी, ढाई चाल क्या कहती है पब्लिक वहाँ की। सीन्स हैं इसमें जो बनाई गई है मूवी, काफ़ी मेहनत और अच्छे तरीके से बनाई गई है।
बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। रखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।